अपने फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। भाई इस बंदे को तो मैं किस करूंगी थोड़ा सा इंटीमेट मोमेंट हो जाए और अरे शर्मा गई। Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite Pale. तो guys, आज की वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस हमारी शक्ल पे है। बहुत लोगों के में ऐसा था कि भाई हमारी बॉडी अच्छी है पर हमारी शक्ल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी बॉडी अच्छी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस तरीके से आप आई कॉन्टैक्ट करते हो, किस तरीके से आपकी शक्ल लोगों को नजर आती है, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटली इमीडिएटली कि कैसे आप अपने फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के बारे में, जब हम आई कॉन्टैक्ट करते हैं बंदे का नोटिस आपके आईब्रोज पे डेफिनेटली जाता है, और अगर आपके आईब्रोज में बहुत ज्यादा मार है इट विल नॉट लुक गुड। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपने आईब्रोज के अंदर थोड़ी सी ट्रिमिंग करानी है, हर बार नहीं लेकिन आपको लगे कि ज्यादा आईब्रो के बाल हैं तो वहां पे आप ट्रिमिंग करा लो। बट कभी आपने शेप नहीं करानी या थ्रेडिंग नहीं करानी आईब्रोज पे, अगर आप वो चीज कराओगे तो वो इतनी शार्प नजर आएगी कि आप बॉटल के ढक्कन को खोल पाओगे, और साथ में आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में माथे की साइड पे वहां पे अगर बाल है तो थ्रेडिंग से उसको हमेशा आपने रिमूव करवाना है। सेकंड थिंग इज अबाउट दी नोज, अगर आप नोज में भी देखोगे तो उसके टॉप पे यहाँ पे आपको कभी ना कभी बाल नजर आएंगे, तो वो भी हमेशा आपने थ्रेडिंग से रिमूव करवाने हैं। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप ये नॉस्ट्रिल जो है वो आपके बाल अलग से नाक से निकल रहे हैं, दैट लुक्स वेरी फनी एंड बैड, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसको ट्रिम डाउन करो, सीजर से काट लो या एक नोज ट्रिमर भी आप यूज कर सकते हो। और बहुत लोग मेरे को नीचे कॉमेंट्स आते हैं कि ना हमारी नोज ना ज्यादा फैट लगता है या शेप अजीब सी लगती है, तो उसका तो आप देखो कोई इलाज नहीं कर सकते अदर देन कॉस्मेटिक सर्जरीज, बट एक चीज होती है जिससे आप डेफिनेटली फर्क पा सकते हो, दैट इज कॉन्टोरिंग। तो वो मेकअप का थोड़ा सा पार्ट होता है, अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बना सकता हूं। तो कॉन्टोरिंग से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प होती है। और थोड़ी सी क्लीन लुक अचीव करने के लिए अब आप नोटिस करोगे आपके चीक्स के ऊपर भी थोड़े बहुत बाल हैं, एंड वो आपने ट्रिमिंग कभी नहीं करवानी अदरवाइज वो शार्प निकलेंगे, तो हमेशा थ्रेडिंग से वो छोटे छोटे बाल टाइनी बाल आपने निकलवा लेने हैं, आपका फेस जो है वो ज्यादा क्लीन एंड स्मूथ लगेगा। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, दैट इज योर बियर्ड। मैं बात नहीं करूंगा कि बियर्ड ग्रो होती है नहीं होती, लेकिन जिन लोगों की होती है किस तरीके से अपना फेस का फैट आप छुपा सकते हो और अपने फेस में स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो कभी भी आपको लगे कि आपका फेस थोड़ा सा ज्यादा मोटा लग रहा है, अपने साइड्स को आपने ट्रिम कराना है एज कंपेयर टू आपके फ्रंट हेयर। यहाँ पे थोड़े हैवी बाल हल्के बुलके एंड साइड्स में ट्रिम कराओगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, आपकी फेस की जो लुक है वो थोड़ी सी थिन लगेगी, वो थोड़ी स्लिम लगेगी, बिकॉज ये जो पोर्शन है ना वो ज्यादा आपके फेस को एंगल दे रहा है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बियर्ड कराने जाओ तो एक बार जरूर ट्राई करना एंड फर्क आप नोटिस करोगे, और कमेंट में भी बता देना। कमिंग ऑन दी पॉइंट नंबर 4, अब गाइज कभी भी किसी से बात करो ना तो बहुत अजीब सा और गंदा सा लगता है, उसके होंठ थोड़े से फटे फटे लगे या अजीब से लगे, मॉइस्चराइज ना लगे, तो बिल्कुल भी किसी लड़की का मन नहीं करेगा कि वो आपको आके किस करे। तो आपने मेक श्योर करना है आपके लिप्स जो है बिल्कुल ग्लॉसी एकदम लाल लाल लिखे ना तो मजा आ जाएगा। तो वो कैसे अचीव कर सकते हो, या तो आप लिप बाम लगाओ, एक ना लिप बाम भी आते हैं जो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, वो आपके लिप्स को हल्का हल्का लाल कर देते हैं और एक अच्छी खुशबू आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगा। और उसको करने से ना आपके जो लिप्स है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगते हैं, मॉइस्चराइज लगते हैं, किससे वह लगते हैं, और कोई लड़की वो चीज देखे तो बोलते हैं भाई इस बंदे को तो मैं किस करूंगी। और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके लिप्स के साइड में ना बोथ साइड में ड्राइनेस हो जाती है, उसको कहते हैं एंगुलर हाइलाइटस, जो कि एक बहुत अजीब सा लगता है, तो आपने उसको भी क्योर करना है, वहां पे आप कोकोनट ऑयल लगाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द फ्रेम व्हिच इज द स्पेक्टिकल्स, अगर आप स्पेक्टिकल्स वगैरह नहीं पहनते हो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन आप उसको एज एन एसेसरी भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने पहना हूं, बट मेरे को लगा हुआ चश्मा, बट मैं कोशिश करता हूं कि मेरा नॉर्मल चश्मा भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो किस तरीके से आपने करना है, मैंने एक ना इनवर्स रूल के बारे में बात करी है, तो उसके अंदर मैंने बात करी कि आपके फेस शेप के हिसाब से कौन सा फ्रेम आपको पहनना चाहिए, वो इनवर्स रूल के बारे में बात करी है, इस वीडियो के अंदर क्लिक करके आप डेफिनेटली देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूं इनवर्स रूल के बारे में फर्क क्या पड़ता है, कि कुछ टाइम के फ्रेम्स होते हैं आपने देखा होगा कि थोड़े एंगल्ड होता है जैसे रेक्टेंगल फॉर्म में, और कुछ होता है थोड़े से कर्व्ड में जैसे गोल वाले हो गए, और आपका फेस का स्ट्रक्चर देखो तो वो भी कभी एंगल्ड होता है जैसे कि डायमंड कट हो जाता है, या अगर आपने देखा हो ओवल शेप में थोड़ा सा गोल होता है। तो इनवर्स रूल किस तरीके से काम करता है, अगर आपका फेस थोड़ा सा गोल नजर आता है तो वहां पे आप चश्मे में एंगल्स दे सकते हो, या अगर आपका फेस जो है वो एंगल्ड ज्यादा है मतलब डायमंड में है या ट्रायंगल शेप के अंदर है, तो यहाँ पे जो आप फ्रेम्स है वो थोड़े से राउंडेड पहन सकते हो, तो वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। पूरी डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर जाके देखना। कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 6, अब गाइस अच्छा नहीं लगेगा आप किसी से बात कर रहे हो
और वो बंदी सामने वाली नोटिस करती है कि आपके कहाँ से बाल निकल रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगता है। आपको मेक श्योर करना है कि आपके कान से बाल कभी ना निकले, प्रॉपरली ट्रिम डाउन करो। नोज ट्रिमर से भी आप यूज कर सकते हो या नॉर्मल सीजर भी यूज कर सकते हो, और साथ में आपके ईयर हमेशा क्लीन होने चाहिए। क्या पता कुछ अलग सा मोमेंट हो जाए, कुछ थोड़ा सा इंटीमेट मोमेंट हो जाए और अरे शर्मा गई आपके कान में कुछ वो डाल दे तो तू कड़ो कड़ो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके ईयर हमेशा क्लीन हो। अगर आप वैक्स वैक्स ज्यादा लगते हैं तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग कराओ, और जब भी आप नहाने वगैरह जाते हो तो मेक श्योर करना है प्रॉपरली वहां पे सोप से या बॉडी वॉश से आप उसको बिल्कुल साफ करो। अब बात हमारी आती है नेक्स्ट पार्ट के बारे में, विच इज द मेन थिंग जो आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके फेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। आपका गाइस जैसा भी हो फेस, आपको लगता है कि आपका थोड़ा मोटा है पतला है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी हेयर स्टाइल कराओ ठीक है, कहीं पर भी आपको रॉक करना होना, सिंपली अपने जो साइड्स हैं उसको आप करा दो ट्रिम डाउन, बिकॉज इट विल गिव अ शेप टू योर फेस। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपका स्ट्रक्चर लग रहा है फेस बिकॉज ऑफ योर हेयर स्टाइल। तो मेक श्योर करना है कि साइड्स को हल्का सा ट्रिम कराओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर फेड कराओ, बट एज कम्पेयर टू योर अपर हेयर वहां पे आपकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रखो, एंड दैट विल वर्क अमेजिंगली। और फेस को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए आप म्यूइंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। मेरे को कॉमेंट में बताना है कि साहिल वी नीड अ वीडियो ऑन म्यूइंग एज वेल। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। डेफिनेटली अगर आप ये 7 चीजें कर लेते हो आपके फेस में इंस्टेंट फर्क आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिलीव मी। और ये चीजें मैं अभी भी कर रहा हूँ, एज कम्पेयर टू बिफोर अगर मेरी कोई पुरानी वीडियो भी उठा लो तो आपको फर्क दिखेगा। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको सच में हेल्पफुल लगी हो, कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना है और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब करना है एंड बी द पार्ट ऑफ आवर डायनामाइट फैमिली। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा बिफोर दैट इंस्टाग्राम में को जरूर फॉलो कर लेना गाइस, हमारी कुछ ट्रिप्स वगैरह भी आने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टोरीज वगैरह से बिल्कुल इंटरेक्टेड रहो। मेरे को मेक श्योर करना कि आप फॉलो करो, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो।